कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर हफ्ते की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूँ लेकर साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह में यानी 23 मार्च से 29 मार्च के बीच के 7 दिनों के बारे में। कोई भी नया सप्ताह शुरू होने वाला होता है तो हमारे मन में बहुत तरह के सवाल उठते हैं, जैसे कि ये नया सप्ताह हमारे लिए कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसे इस बुरे समय से निकला जाए, क्या उपाय करने चाहिए। ऐसे जितने भी आपके तमाम सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे आपके कमिंग वीक के लिए, उसके सबके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ये जो वैदिक ज्योतिष पर आधारित गणना की जाती है इस वीडियो में और जो हम आपको बताते हैं राशिफल आपका, ये 7 दिनों में जो है आपके जीवन के हर पहलू पे, हर पहलू के अनुसार, जैसे पारिवारिक जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, प्रेम जीवन हो गया, पैसा, करियर, हर चीज के बारे में हम आपको पहले हम उसको गणना करते हैं, उसके बाद आपको इस वीडियो में बताते हैं। और इसको सुनने के बाद आप अपनी वीक के, कमिंग वीक की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं और आपका लाइफ, आपकी जो लाइफ है एकदम आसानी से बीत सकती है। तो ज़्यादा समय आपका नहीं गंवाएंगे, इस वीडियो में हम आपको राशिफल के अलावा आने वाले हफ्ते में जो चीज़ें होने वाली हैं, जो ज्योतिषीय घटनाएँ हैं, जो कि कुछ जैसे गोचर वगैरह है, कोई तीज त्यौहार है, उसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही कुछ मशहूर हस्तियों के जिनका जन्मदिन जो है 23 मार्च से 29 मार्च के बीच में आएगा, उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको ज्योतिषीय तथ्य कुछ इस सप्ताह से जुड़े। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी कि 23 मार्च से हो रही है, जबकि सप्ताह का अंत शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि 29 मार्च को होगा। इस सप्ताह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी कि 24 मार्च को चैत्र अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद इस सप्ताह कुछ अन्य बड़े और महत्वपूर्ण पर्व आने वाले हैं, जैसे कि चैत्र नवरात्रि, उगाड़ी, घट स्थापना और गुड़ी पड़वा, जिन्हें 25 मार्च को मनाया जाएगा। इस सप्ताह से ही चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ भी होने वाला है। 25 मार्च से शुरू होकर चैत्र नवरात्रि 3 अप्रैल तक मनाई जाएगी। तो यह तो हमने आपको जानकारी दी कि जो कौन कौन से तीज त्यौहार आने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन से गोचर होंगे। इस सप्ताह जो है, सबसे पहले चंद्रमा तो हर जो है उनका गोचर तो होता ही है। इस सप्ताह की बात करें तो चंद्रमा जो है कुंभ, मीन, मेष और वृषभ राशि में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि में मौजूद रहेंगे और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा के साथ साथ इस सप्ताह 2 अन्य ग्रहों का भी गोचर होने जा रहा है। इनमें से एक है शुक्र ग्रह, जो कि 28 मार्च को वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और दूसरा है गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह, जो 29 मार्च को मकर राशि में गोचर करेंगे। तो चंद्रमा के साथ साथ शुक्र और जो है आपको गुरु का भी प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्या होगा ये प्रभाव, आगे हम आपको बताएंगे। एक और जानकारी दे देते हैं, उसके बाद चलेंगे आपके राशिफल पे। किन किन मशहूर हस्तियों का जन्मदिन इस सप्ताह जो है आने वाला है। देश के कुछ नामचीन सितारे होते हैं जिनका जन्मदिन 23 मार्च से 29 मार्च के बीच आता है, तो चलिए उसकी जानकारी जल्दी से दे देते हैं। 23 मार्च को कंगना रनौत और ठाकुर अनूप सिंह का जन्मदिन आता है। इसके बाद 24 मार्च को इमरान हाशमी का जन्मदिन होता है। 26 मार्च को प्रकाश राज का जन्मदिन आता है। एक्टर रामचरण, जो कि साउथ के फेमस एक्टर हैं, उनका जन्मदिन जो है 27 मार्च को आता है। 28 मार्च को चित्रांगदा, अक्षय खन्ना, निहार पांड्या और संध्या मृदुल का जन्मदिन आता है। और अंत में 29 मार्च को मंदना करीमी का जन्मदिन आता है। तो ये सारे लोगों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इनकी अगर कुंडली देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर इनसे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इनकी कुंडली से रिलेटेड, तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। बाकी ये जानकारी हो गई, टोटल आपको मिल गई होगी, इससे आइडिया लगे होगा कि इस कमिंग वीक में यानी 23 से 29 मार्च के बीच में क्या क्या चीजें, ज्योतिषीय घटनाएं होने वाली हैं, कौन कौन से तीज त्यौहार आने वाले हैं। ये हम इसलिए पहले बता देते हैं ताकि आप प्लानिंग अभी से शुरू कर दें। अब बारी आपके राशिफल की, और आपको एक और बात बता दूं कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन पे बेस्ड है। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता वो क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें आपको अपने बर्थ डिटेल्स सही सही भरने होंगे। बर्थ डिटेल्स फिल करने के बाद आप अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मेष राशि के जातकों के बारे में, और जानते हैं कि राशि चक्र की पहली राशि कहे जाने वाले एरीज के लिए कैसा बीतने वाला है ये आने वाला 7 दिन।
इस सप्ताह जो है चंद्रमा आपके 11वें 12वें पहले दूसरे भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का गोचर जो हमने आपको वीडियो के आरंभ में बताया है आपके दूसरे भाव में हो रहा है, और गुरु का गोचर भी हो रहा है इस हफ्ते जो आपके 10वें घर में होगा। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर के साथ साथ जैसे शुक्र और बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि से एकादश भाव में रहेंगे, उसके बाद वो द्वादश में जाएंगे, प्रथम में जाएंगे, उसके बाद द्वितीय में जाएंगे। वहीं शुक्र का गोचर आपके द्वितीय भाव और देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके दशम भाव में होगा, क्योंकि एकादश भाव में चंद्रमा बुध ग्रह के साथ युति बना रहे हैं, इसीलिए आपको जीवन में थोड़ी परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ सकता है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको नए प्रयास बढ़ाने होंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको इस समय मिल सकता है। जो छात्र गणितीय विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इस दौरान सफलता मिलेगी। इसके बाद चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे, जहां इनकी युति मित्र ग्रह सूर्य से होगी। इस युति के कारण आपको विदेशी व्यापार में सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही जो विद्यार्थी विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें भी सफलता मिल सकती है। धन से जुड़े मामलों में आपको सावधान रहना होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा, इस दौरान आपको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता के कारण आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ भी महसूस कर सकते हैं। खुद को फिट रखने के लिए नियमित व्यायाम करें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होगा, यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन में इस दौरान आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। माता पिता के साथ आप वक्त बिता सकते हैं। इस सप्ताह 28 मार्च को शुक्र का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने से आपकी वाणी में निखार आएगा। कला से संबंधित क्षेत्रों में इस राशि के जातकों को सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंतिम दिन बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। अपने काम के प्रति आप पूरी तरह केंद्रित होंगे। प्रेम फल की बात की जाए तो आपके प्रेम भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि होने के कारण इस राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं को जो है इस सप्ताह अपने लवमेट के गुस्से से परेशान वो रह सकते हैं। हालांकि उनका गुस्सा किसी भी तरह के अलगाव का कारण नहीं बनेगा और आप अपनी समझ से हर मामले को सुलझा लेंगे। उन्हें खुश करने के लिए आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते नजर आएंगे। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह कई सौगातें लेकर आ सकता है। जीवन साथी के साथ यदि किसी तरह का मतभेद था तो वो इस दौरान दूर हो जाएगा। आपके साथी को उनके कार्य क्षेत्र में प्रगति मिलेगी। सप्ताह का अंत रोमांटिक डिनर के साथ हो सकता है। उपाय की बात कर लेते हैं, ये तो जान लिया हमने कैसा बीतेगा हर तरीके से आपका आने वाला सप्ताह, कौन सा वो उपाय है जो करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल रेमेडी आपको बताते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये एक उपाय आपके लिए बेहद जो है कारगर रहेगा। किसी समय पाठ कर सकते हैं, अगर सुबह सुबह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समय की कमी है तो उसको आप पूरे दिन में कभी भी जब आपको टाइम मिले तो सच्चे मन से शांत बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। ये आपके लिए उपाय बहुत कारगर रहेगा, मेष वालों को उनकी परेशानियों से बचाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आने वाला 7 दिन कैसा बीतेगा आप सभी के लिए। अगर वीडियो में दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। और अगर आपका कोई सुझाव है हमारे इस वीडियो को लेकर, हमारे चैनल को लेकर, तो जरूर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि क्या बदलाव चाहते हैं जो है साप्ताहिक राशिफल की वीडियो में, कुछ और एड ऑन्स करने हैं तो आप वो भी जरूर हमें लिख के बताएं, हम जरूर उसे ऐड करेंगे अपने इस वीडियो में और आपको उसकी भी जानकारी दिया करेंगे, क्योंकि हम पूरे हफ्ते का लेखा जोखा आपके लिए लेकर आते हैं तो हम चाहते हैं कि आपको हर तरीके से अपने आने वाले सप्ताह के विषय में जानकारी हो। तो जरूर आप हमें नीचे कमेंट किया करें। बाकी जाने से पहले हमारे सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि और बाकी सभी तीज त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी जब आपके घर आए तो उनका बहुत ही सच्चे मन से उनका स्वागत करें, उनकी पूजा पाठ करें और जो है उनसे ये कामना करें कि आपको अच्छा इंसान बनाए, आपको मेहनती बनाए, आप जो है किसी का बुरा ना करें, किसी के लिए गलत ना करें और आपके सारे दुख को वो हर के लेके चले जाएं। बाकी जिन लोगों का जन्मदिन आता है इस पूरे सप्ताह में उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हंसते रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, यही कामना है। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले हफ्ते। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।